हम लोग आ चुके हैं कानपुर के गांधी आश्रम में और हम एक ग्रेव में जाने वाले हैं। तो गाइस तो जा रहे हैं अब बिथुर के क्या कहते हैं गुफा के अंदर। ये हमारे ट्रेन इधर देखो भाई, थोड़ा पाँव छू लेते हैं भगवान का। हम लोग आ चुके हैं कानपुर के सुधांशु आश्रम में और हम एक ग्रेव में जाने वाले हैं। अरे हनुमान जी, हमारे हनुमान जी दर्शन ले लिए, दिखाओ ए। आप यहीं खड़े होके फोटो लो यार, फोटो लो ये खड़े होके यार। दोस्तों देखिए हम लोग आ चुके हैं एकदम अंधेरी घनेरी गुफा में। देखिए ओह माय गॉड, देखिए ये पूरा पत्थर का बना हुआ है। ये जो गुफा है पूरी आर्टिफिशियल है, खास भक्तों के लिए बनाई गई है जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। चलो देखिए, और ये थोड़ा फूल वगैरह है और ये मॉन्यूमेंट है। ओ भाई, ओ ओ भाई भाई। और यहाँ से देख सकते हैं आप लोग ये पूरा सीन है। देखिए यहाँ पे आ चुके हैं और आप गुफा के अंदर ये प्रवेश कर चुके हैं यहाँ पे। देख रहे कितना ठंड है ना, और यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे ये देखिए ये नाग देवता यहाँ से आए हैं और ये जी हो जाए। और देखिए यहाँ पर ये शेर, और ये सबसे अच्छा दृश्य जो इस गुफा का है यहाँ पर देखिए। ये सबरी माता का आश्रम है, तो यहाँ पे सबरी माता ने श्री राम जी को घेर लिया। चलो आगे, कृष्ण भगवान हमारे। चलो भैया आगे बढ़ते जाओ, कोई फोटो नहीं खींचेगा। ये बड़ा सकरी जगह है यार, बहुत सकरी जगह है यार, अरे यार आराम से भैया आराम से। और देख सकते कितनी छोटी सी जगह है यार, अरे यार बहुत छोटी जगह है, एकदम लच के जाना पड़ रहा हम लोगों को। ये देखिए एकदम लच के अभी भी जगह नहीं आई ये खड़े होने के लिए सही से। अरे यार एकदम नेचुरली अब निकल गया है बाहर। Thank you.
भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी। माता रानी का मंदिर, माँ वैष्णो माता का दरबार है। भी लगाना है तो मैं तुम्हारे लगा दूँ। और ये थोड़ा सा चढ़ाई पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं हम लोग, वहां से क्या है यार, इधर चलो। क्या हुआ भाई? भगवान शिव जी की चलो। बहुत टेढ़ी मेढ़ी रास्ता है यार, अब नीचे जाने का रास्ता है यार, ये यही है नीचे जाने का रास्ता है। आ गए नीचे, आ गए, अब आ गए। बाबा भैरवनाथ जी के सिवा और ये बाहर निकलने का, और ये आ गए सभी दोस्त बाहर, और लास्ट व्यू ये रहा गुफा का, कुछ इस प्रकार एंड होता है इस ग्रेव का, गुफा का। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है अंदर, बहुत ही मजा आता, आनंद आ जाता भाई साहब, मजा आ गई। इतना ठंड है यार, ये देखिए एकदम नेचुरली मेड लगता है, बिल्कुल जैसे प्रकृति रूप से बनाया गया हो, वैसे है आर्टिफिशियल। देख सकते हो कितना ऊंचा पहाड़ बनाया गया है, लगा ही नहीं ऊपर, अब ये तोड़ लो यार, लगता नहीं ऊपर गए लेकिन गए थे ऊपर। चलो एंड हो गया, चलो चलते हैं, तोड़ लो यार ये, चलो पैरट दिखाते हैं आपको। पैरट ये तोता और मैना की जोड़ी, अरे तोता है यार, और नहीं तो क्या, वीडियो नहीं बना रहे हो? नहीं बना रहे, चल नहीं रहा, फोटो खींचो, आगे से लेते हैं, आगे से लेते हैं, आगे ले आ, स्वेटर वेटर पहनाओ आगे तो। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो गुफा के बाहर जब हम लोग आएंगे तो वहीं पर जस्ट ये तोता और ये एक मैना की जोड़ी यहाँ पर पेड़ पे बैठी है। इतना सुकून दृष्ट है कुछ कहने को नहीं, आप लोग देख सकते हैं, बड़ा मजा आता है इनको देखने में। जाली के अंदर रखते हैं तो इधर गुफा के इधर आने के बाद,
सामने नंदी बाबा। कानपुर का मंदिर, सुधांशु आश्रम, झूमर देखो यार क्या वीआईपी लगा दे। सो ब्यूटीफुल। आओ चलो आ बैठो आके, बैठो आके। जगदंबा रे, जगदंबा।